जब भी छुट्टियां आने वाली होती हैं, तो सारी ट्रेन की बुकिंग पहले से ही हो जाती है और रोड पर भी कार ट्रैफिक में फंस जाती है। और अगर हम पानी के जरिए जाने की कोशिश करें तो भी मुश्किल होती है। इसीलिए हम डोरेमोन से पूछना चाहते हैं कि वो हमें छुट्टियों में किसी आइलैंड पर ले चले। तुम यही कहना चाहते थे ना जियान? सदन आइलैंड है ना? हाँ, लेकिन मुझे माफ करना, डोरेमोन घर पर नहीं है। तुमने मुझे बुलाया क्या? अरे हाँ? ये तो घर पर है। क्या हम तुम्हारा एनीवेयर डोर इस्तेमाल कर सकते हैं? दरअसल एनीवेयर डोर अभी खराब है तो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरा कोई गैजेट कभी खराब नहीं होता, समझे तुम? क्या तुम सब सदन आइलैंड जाना चाहते हो? तो ठीक है, हम सब लोग चलते हैं। हाँ? वहाँ हम सबको बहुत मजा आएगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब लोग तैयार हो जाओ, ये है ड्रेसअप कैमरा। सब लोग लाइन में आओ। अब तुम्हारी बारी है नोबिता। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नोबिता, तुम स्विम सूट क्यों नहीं पहनना चाहते? नहीं, मुझे नहीं पहनना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। याद आया, नोबिता को तो स्विमिंग आती ही नहीं है। अरे सॉरी, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ करना, मैं भी भूल गई थी कि तुम स्विम नहीं कर सकते। हाँ, ये बिल्कुल स्विम नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ और मजे करो दोस्त। इसलिए मैं नहीं आना चाहता था, मुझे पता था लोग मुझे तंग करेंगे। मुझे स्विमिंग नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं अभी कुछ करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन रिंग एंड गॉड। एक मिनट रुको। नहीं, इसे तो नहीं दो। ये वाला ठीक है। इससे मैं स्विम कर पाऊंगा। हाँ, जरा एक मिनट इसे पकड़ो। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें स्विम सूट पहनना चाहिए। अब इसे अपनी कमर पर बांध लो। और इसके बाद? अब तुम्हें बस मेहनत करनी है। हाँ? ओ? ओ? तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें डूबने से पहले ही निकाल लेगा। इससे बेकार गैजेट तुम्हें नहीं मिला था मुझे देने के लिए? ऐसे तो तुम स्विमिंग कभी भी नहीं सीख पाओगे। गैजेट की बुराई करने की बजाय तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत बढ़ाना। नो बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। ये लो। ये लो। मेरी बारी। ये लो। अरे डोरेमोन, नोबिता कहाँ रह गया? वो स्विमिंग सीख रहा है। लेकिन क्या वो स्विम कर भी पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अब बस और नहीं। ओह नो, इसे सब तुम्हारी गलती है डोरेमोन। शुक्र है इससे पीछा छूटा। बहुत बुरे हो तुम डोरेमोन। याद आया, एक और गैजेट था जो डोरेमोन ने यहीं कहीं फेंक दिया था। अरे गैजेट वो रहा, देखता हूँ। हाँ, ये आसान लगता है, बस कार्ड को रिंग पर सेट करना है।
जो जो कार्ड पर बना है आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसका असर 15 मिनट तक रहेगा, तो इसे सावधानी से इस्तेमाल करें। वैसे ये मजेदार तो लग रहा है, चलो कर देखता हूँ, मजा आएगा। खुद को मुझे किसमें बदलना चाहिए? मछली में, फिर मैं इसी की तरह स्विम करूँगा। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल मछली बन गया। अब देखना, मैं बहुत ही अच्छी तरह से स्विमिंग कर पाऊंगा। बहुत मजा आ रहा है, मैं कितनी अच्छी तरह से स्विमिंग कर रहा हूँ, आज तो मजा ही आ गया। चलो साथ में तेरे। अरे सॉरी। अच्छा तो मुझे अकेला छोड़कर सब यहाँ मजे कर रहे हैं, अभी बताता हूँ। डोरेमोन बॉल जल्दी लेकर आओ, आ रहा हूँ। जियान तुम्हें बॉल को इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। क्या तुम कहना चाहते हो कि गलती मेरी है? मैंने तो बस बॉल को छुआ ही था। सुनियो, ये सब मत कहो, समझे? अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो बॉल तुम्हें लानी होगी। ये तुम क्या कर रहे हो सुनियो? कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। क्या मतलब? भला तुम्हें पानी में कौन खींचेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई था। ये तुम क्या कह रहे हो सुनियो? देखा, मैंने कहा था ना। कैसे हो दोस्तों? नोबिता, तुमने स्विमिंग सीख ली क्या? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब कहाँ भाग गए तुम? तो यहाँ आकर पकड़ लो। आओ आओ, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। अरे नोबिता, इतनी तेज कैसे तैर रहा है? ये सब कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ नोबिता। क्या बात है दोस्तों, थक गए? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पकड़ ले? मुझे तो नहीं लगता तुम में से कोई भी मुझे पकड़ पाएगा, तो बेकार में इतनी मेहनत करना बंद करो। अरे लगता है 15 मिनट पूरे हो गए। डोरेमोन आ रहा है, इससे बचने के लिए मुझे दूसरा कार्ड चुनना होगा। कौन सा? तुम यहाँ हो? अब मैं जियान और सुनियो को मजा चखाऊंगा। स्विमिंग के बाद अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा होता कि अपने साथ हम लंच बॉक्स ले आते। तो क्या हुआ, एनीवे डोर है ना, हम उसकी मदद से जाकर खाना खा लेते हैं। hey, वैसे हम इस वक्त एक वीरान आइलैंड पर हैं, क्यों ना हम चलकर कुछ खाने के लिए ढूंढे। अच्छा आइडिया है, फिर तो और भी अच्छा एडवेंचर होगा। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कोई खतरनाक जानवर तो नहीं होगा ना, डर लग रहा है। शिजुका भी नोबिता की तरह कितना डरती है। सच में ये बहुत छोटा आइलैंड है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चिड़िया या गिलहरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ सांप तो हो सकते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनियो, डरने की कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, मैं उस तरफ जाता हूँ। ठीक है, मैं उधर जाता हूँ। ना 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 हा।
ये तो शेर है। अरे ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज लगती है। लगता है नोबिता ने कोई छोटा सा मच्छर देख लिया होगा। ये क्या है? शोर मचाना बंद करो और घर वापस चलो। लेकिन नोबिता और डोरेमोन इस वक्त कहाँ पर होंगे? उन दोनों की चिंता करना छोड़ दो, फिलहाल हमें जल्दी से एनीवे डोर पर पहुँचना है। क्या हुआ? एनीवे डोर कहाँ चला गया? अब क्या होगा? हम तो उसे यही छोड़ कर गए थे। पर वो गया कहाँ? मुझे तो लगता है कि वो समंदर की हवा से उड़कर कहीं दूर चला गया है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? एनीवे डोर कहाँ चला गया? अब क्या होगा? हम तो उसे यही छोड़ कर गए थे। पर वो गया कहाँ? मुझे तो लगता है कि वो समंदर की हवा से उड़कर कहीं दूर चला गया है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? चलो उन्हें थोड़ा और परेशान होने दिया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन में योगा करते समय मैं फिसल गया था। पता चला कि वहाँ मॉम स्नैक्स में क्या है? अंदर देख लो, टेबल पर रखा हुआ है। फेंका था, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे है और बहुत भूख भी लगी थी। बहुत सारे केले। बहुत भूख लग रही है। मुझे भी जियान, बहुत तेज भूख लग रही है, पर लगता है अब शेर हमें खाएगा। नोबिता और डोरेमोन का भी कुछ पता नहीं, वो कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों गए कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने जो सांप देखा था उसने उन्हें खा लिया? हाँ। या फिर कहीं शेर तो नहीं खा गया उन्हें? ऐसा नहीं हो सकता। नोबिता हमसे बहुत धीरे दौड़ता है, तो अगर उसके सामने शेर या सांप आया होगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उस सांप ने उसे खा लिया होगा और वो उसके पेट में होगा और वहाँ चिल्ला रहा होगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेचारा नोबिता, उसके पास तो मेरे जितनी ताकत भी नहीं है। अगर उतनी ताकत होती तो वहाँ से बच निकलता। मेरा प्यारा दोस्त नोबिता। नोबिता, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम लोगों के लिए केले लाने गया था दोस्तों, खा लो। लेकिन आखिर तुम गायब कहाँ हो गए थे? और डोरेमोन कहाँ पर है नोबिता? जानते भी हो, एनीवे डोर अपनी जगह से गायब है। पता है यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर भी है नोबिता। शांत हो जाओ दोस्तों। क्या तुम डोरेमोन की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते? ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। जरूरत पड़ने पर हमने हिम्मत से मुश्किलों का सामना किया है और आज भी हम हिम्मत से काम लेंगे, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी आ गई है और ऐसे समय में हम मिलकर काम करेंगे। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास नोबिता है। शिज़ुका, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तुम सच में बहुत बहादुर हो नोबिता। क्यों नहीं? नोबिता को आखिर हो क्या गया है जियान? लेकिन एक बात है, इस आइलैंड पे शेर कहाँ से आया? मुझे तो इस बात में कुछ गड़बड़ लगती है, ऐसे आइलैंड्स पर शेर नहीं रहते। हाँ ठीक कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है,
ये सदर्न आइलैंड है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें हैरानी की क्या बात है। मेरे पास जो बुक है नोबिता, उसमें भी यही लिखा है कि इस तरह के वीरान आइलैंड में शेर जैसे बड़े जानवर नहीं रहते। वैसे सोचा जाए तो सुनियो की बात गलत नहीं है, शेर अक्सर ऐसी जगहों पर नहीं मिलते। मैं भी यही सोच रहा था, शेर तो घास के बड़े बड़े मैदानों में रहते हैं। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं बताता हूँ, बहुत भूख लगने के कारण मुझे बेहोशी छा रही थी, इसलिए मुझे सांप दिखाई दिया। शायद तुमने सही कहा, इसी वजह से मुझे भी शेर दिखाई दिया होगा। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा। ठीक कहा। अरे सुनो नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं बस आइलैंड पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा, उन्हें सब झूठ लग रहा है। अब मुझे कुछ और करना होगा उन्हें डराने के लिए। अब मैं अपने आप को किस चीज में बदलूं? बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। टिरानोसॉरस, ये सही रहेगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा नोबिता, बहुत बढ़िया। हमें बचाने के लिए शुक्रिया नोबिता। बहुत अच्छा नोबिता, शुक्रिया मेरे दोस्त। एक आइडिया, डोरेमोन बनेगा डायनासोर और मैं जाकर उन्हें बचाऊंगा। चलो मैं तुम लोगों को एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ बहुत मजा आएगा। ये एक बहुत पुरानी बात है, उस समय की जब पायरेट्स का समुद्र पर पूरी तरह से कब्जा था। उस समय एक खतरनाक पायरेट्स के ग्रुप ने सातों समुद्रों पर लूट मचा रखी थी। उसके कैप्टन ने बहुत सारा खजाना एक वीरान आइलैंड पर छुपा रखा था, जो उसने तब तक लूट कर इकट्ठा किया था। लेकिन उसके सैनिकों ने उसके साथ धोखा किया, जिनकी मदद से उसने वो सारा खजाना छुपाया था, उन्होंने उसे मार दिया। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये एक डरावनी कहानी है? अरे डरो मत, आगे तो सुनो क्या हुआ। आखिर वो चला कहाँ गया? यहाँ तो कहीं नहीं है। उस वक्त के बाद लोगों को वहाँ पर काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, पर किसी को नहीं पता था वो आवाजें आखिर हैं किसकी। और उसके बाद एक एक करके वो सारे सैनिक वहाँ से भागने लगे, और अब वहाँ कोई सैनिक नहीं बचा है, सिर्फ खजाना बचा है। अच्छा समझ गया, तो तुम डोरेमोन हो। बहुत जल्दी गैजेट का इस्तेमाल कर लिया। चलो चलकर जियान और सुनियो को डराते हैं डोरेमोन। बाद में पता चला कि वो सारी आवाजें दरअसल वहाँ पर रहने वाले जानवरों की थी, जो काफी खतरनाक थे, और उन्हीं जानवरों के डर की वजह से आज तक उस आइलैंड पर कोई वापस नहीं गया। मेरे प्यारे डोरेमोन, अच्छा वैसा करते हैं, तुम जाकर उन्हें डराना और फिर मैं आकर उन्हें बचाऊंगा। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी वाला आइलैंड यही है। हाँ, ये झूठ है ना? डोरेमोन, तो इसका मतलब ये असली का है? अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो हमें यहाँ पर जानवर नजर तो आए हैं ना। अब क्या होगा? अगर तुम जंगल के बीचों बीच जाओ तो तुम्हें उन जानवरों की आवाजें भी सुनाई देंगी, है ना दोस्तों? ये तो नोबिता की आवाज है। वो खतरे में है। चलो चलो, रुको मेरे लिए। अब क्या होगा? अच्छा अब समझा, ये छिपकली मेरी रिंग में से पास हो गई होगी। हे क्या हुआ? आ, 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 आ,
वो देखो नोबिता कितना डरपोक है। इतनी छोटी सी छिपकली को देखकर बेहोश हो गया नोबिता। सही कहा तुमने, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा।